मध्य प्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा सीटों पर हुई काउंटिंग में दो विधानसभाओं में नोटा तीसरे नंबर पर रहा। जोबर विधानसभा में नोटा 5,603 वोट के साथ तीसरे नंबर पर रहा। पृथ्वीपुर विधानसभा में भी नोटा तीसरे नंबर पर रहा, 1,741 वोट मिले। प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की जीत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद से बदलने की हवा बनाने वालों को जवाब दे दिया है। यह चुनाव जीतना शिवराज के करियर के लिए सबसे जरूरी था। दमोह उपचुनाव हारने के बाद उन पर भारी दबाव था। अगले विधानसभा चुनाव के लिए भी उन्होंने अपना दावा मजबूत कर लिया है। मध्य प्रदेश में दीपोत्सव का पर्व सबसे पहले उज्जैन में राजा महाकाल के आंगन में मनाया जाता है। इस बार चतुर्दशी और अमावस्या एक ही दिन होने से एक दिन पहले मनाई जाने वाली राजा महाकाल की दिवाली अब गुरुवार को सुबह 56 भोग के साथ मनेगी। बैतूल में दीदी और जीजा के बार बार घर आने से साला इतना नाराज हुआ कि जीजा की जान ले ली, पीट पीट कर मार डाला। बीज बचाव करने आई अपनी माँ को भी मार कर घायल कर दिया। जीजा इस बार फसल की बुआई के लिए ससुराल आया हुआ था। राजधानी भोपाल में भी 5-day week सिस्टम लागू कर दिया गया है। शनिवार और रविवार को नगर निगम के सभी ऑफिस बंद रहेंगे, वहीं सोमवार से शुक्रवार तक वर्किंग होगी। इंदौर में इस बार ठंड ने दीपावली के 4 दिन पहले ही अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और तापमान गिरकर 13 डिग्री पर आ गया। इसके चलते मंगलवार रात तेज सर्द हवाएं रही जिसके चलते ठंड बढ़ गई और तापमान 13 डिग्री पर आ गया। इसके साथ ही बुधवार सुबह भी खासी ठंड रही। उज्जैन में 10वीं के छात्र ने खुद के अपहरण की साजिश रची, यकीन दिलाने के लिए खुद को चोट भी पहुंचाई। पकड़े जाने पर पूरे मामले का खुलासा हुआ। वह कोचिंग जाते समय घर से भाग गया था। परिवार वालों ने थाने में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने खुलासा किया कि छात्र को फ्री फायर गेम की लत है। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 नवंबर से दिवाली के ठीक पहले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल वापस ले ली है। ऊर्जा विभाग के पीएस से चर्चा के बाद सरकार की तरफ से मिले भरोसे के बाद कर्मचारी अधिकारी काम पर लौट आए हैं।